नमस्कार, हिंदी आचार्य की आधुनिक कवि की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती कृति को पढ़ते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती 1912 में लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती अपने गुरु श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रेरणा से लिखी थी। भारत भारती की प्रस्तावना में गुप्त जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर ना कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि यह देश विद्या, कला कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। और गुप्त जी कहते हैं आगे प्रस्तावना में कि जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहेंगे? इसमें राष्ट्रीयता की भावना है, जैसे कि हम देख सकते हैं। भारत भारती में तीन खंड हैं। सबसे पहले अतीत खंड, फिर वर्तमान खंड तथा भविष्यत खंड। सबसे पहले अतीत खंड। अतीत खंड का मंगलाचरण का हम उदाहरण लेते हैं। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद भाविनी वह भारती, हे भगवते सीता पते सीता पते, गीता मते गीता मते। फिर वर्तमान खंड है, और वर्तमान खंड में गुप्त जी ने देश की दुर्दशा को यह कहकर दर्शाया है कि हम आज क्या से क्या हुए, भले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का, हम में बताओ अब किसे, पूर्वज हमारे कौन थे, हमको नहीं यह ज्ञान भी, है भार उनके नाम पर दो अंजलि जलदान भी। फिर भविष्यत खंड आता है। भविष्यत खंड में राष्ट्र कवि ने समस्या समाधान यानी कि हल खोजने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं, भव सिंधु में निज पूर्वजों के रीति से ही हम तरें, यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य, धन्यवाद।